यार क्या तुम यार ये स्लिपरी बहुत है यार इधर अभी मैं कह रही हूं तुम फैनी ना तुमको हम बता दे रहे हैं बाबू इसमें कह रहे उधर चलो हैं नहीं लग रहा है नहीं लग रहा ना तो आओ आगे चले आओ तो हमारा गोवा में डे थ्री है आज आज हम लोग यहाँ पे चर्च और कहाँ जाएंगे जेल जाएंगे और कॉन्डलम बीच हाँ वहाँ जाएंगे लोकल जो भी रहे वो एक्सप्लोर करेंगे जो भी तो अभी हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं हमें एक जगह दिखी है हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या मिलता है फिर आगे चलते हमने ये दो स्कूटी ली है निहारे का की है येलो वाली मेरी है रेड वाली ठीक है और ये खुद रेड है हस्बैंड है भाई की रेड है हाँ और ये है प्योर वेज रेस्टोरेंट यहाँ हम करेंगे ब्रेकफास्ट तो चलिए चलते हैं अंदर जैसा है हेलो सर गुड मॉर्निंग सिया हेलो सिया हाय तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे चलते अब हम अगोड़ा फोर्ट आ गए हैं इसका रेट यहाँ पे ये है 2500 पर पर्सन इंडियन और विदेशी के लिए 300 रुपये ये फीस है यहाँ का ये टिकट काउंटर है अब हम फोर्ट की तरफ चलते हैं टाइमिंग है इसका इधर कहीं लिखा नहीं है अभी मैं आपको बताता हूँ आगे हम लोग चलते हैं ये एंट्री गेट है उधर पार्किंग है पार्किंग का जो है स्कूटी का 50 रुपये लिया हम लोग से और ये फोर्ड ऐसा दिख रहा है यहाँ से वॉकिंग है टिकट चेक कराने के लिए टिकट चेक कराते हैं ये हमारी टीम आगे जा रही है सिया का गरी पापा आ जाए हम लोग को बीच में खड़ा होना चाहिए यहाँ पे एक चीज है भाई गर्मी बहुत है बाकी हाँ टैनिंग हो जाती है बाकी ये सीढ़ी है इधर से उधर जाने की और यहाँ कुछ हाँ नीचे बाथरूम है नीचे क्या करने जाओ हम सीढ़ी से नहीं चढ़ेंगे भाई ये एंट्री है यहाँ टिकट की जांच फोटो खींचो टाइमिंग है 9:00 to 5:30 ये फोर्ट हम लोग एंट्री कर गए यहाँ पर रिकॉर्डिंग बड़े चुपके से करना पड़ रहा है क्योंकि बोला गया है कि अगर आपका रिकॉर्डिंग करते हुए फोन पाया गया तो वो जब्त कर लेगा कह रहा लेकिन हम लोग भी कमीने करेंगे तो जरूर ये सुबह हमको लग रहा है वॉकिंग के लिए बढ़िया है बहुत भीड़ है भाई यहाँ लग रहा गोवा में बहुत टूरिस्ट है इधर से फिर हम चढ़ते हैं ऊपर इधर से ऊपर चढ़ो यूं राउंड मार के आ जाएंगे वापस इधर से उतर जाएंगे क्यों नीचे फोटो खिंचाओगे नहीं खिंचाओगे ऊपर ही वृंदावन जाते हैं तो वहां पर जो वो करना क्या करते हैं परिक्रमा करने के लिए वैसे इस फोर्ट की हम लोग अभी परिक्रमा करनी पड़ेगी यहाँ से रास्ता जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा और यहाँ लोग फोटो के लिए बहुत ज्यादा परेशान है उस साइड पूरा समुंदर है इस साइड रोड है और सच बताएं तो कुछ नहीं है यहाँ सही बताएं कुछ नहीं है इसे गुम्मा है क्या बोल रही कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो ये है व्यू फोर्ट का और यहाँ फोटो शूट चल रही है
और ये है यहाँ से बीच का व्यू। और ये सिया है, और ये देखिए लव बर्ड यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। और ये है टाटा बाय बाय मतलब एग्जिट, जो कि हमने कर ली है। आगे जा रहे हैं प्रशांत भाई और निहारिका, और पीछे आ रहे हैं मिस्टर सिया को देखे। कुछ खास नहीं था, बिल्कुल मजा नहीं आई। मिस्टर आराम से, ये थोड़ा स्लिपरी है, भीड़ बहुत है, लेकिन कुछ है नहीं। सो गाइज, अब हम लोग निकल चुके हैं गोवा के जेल की तरफ, और ये है रास्ता। आपको नहीं करता क्या? तो कैसे लग रहा है गोवा की? सब गोवा वाले बीच पे जाते हैं, अब जेल में ये है गोवा की जेल, जिसमें आज हम लोग भर्ती होकर देखते हैं। कारागार, कारागृह, संग्रहालय, जेल म्यूजियम। इस पत्थरों को लोग डॉल्फिन बोल लेते। इस पत्थर को लोग कल डॉल्फिन बोल लेते। डॉल्फिन बोलने वाला कौन है? वो गाड़ी है, वो दीदी। इस पत्थर को डॉल्फिन बोले थे भैया, इसको देख के डॉल्फिन है। पारुल उधर गहरा बहुत है देख के। भैया गहरा बहुत है उधर। भाई उधर ही सही है। हाँ यार, तुम यार ये स्लिपरी बहुत है यार इधर। मैं तुमको हम बता दे रहे हैं बाबू, इसमें कह रहे उधर चल। ये समुंदर में रील बन रही है, फट रही है, लेकिन रील बनाना जरूरी है। और यहाँ देखिए ढेर सारी डॉल्फिन है, जो कल हम लोग को वो दिखाती निहारिका डॉल्फिन, वो यहाँ दिख गई आज हम लोग को। और मेरी गुड़िया पत्थर पे पत्थर मारे जा रही है। सिया मजा आ रही है? यह इधर जितने पत्थर ये पटे हैं, ये मेरी गुड़िया ने पाटे हैं। हाँ बाबा बैठ लें। ये इस साइड ही कल जो हम लोग बीच उस पर आए थे बोर्ड पे, वो इधर ही लाया था हम लोग को, क्योंकि ये जो इंडियन फ्लैग लगा वो दिख रहा था वहां से, और जो डॉल्फिन वाला तो रूट यहीं पे है। और यहीं पर सारी बड़ी बड़ी डॉल्फिन। हाँ लेकिन समुंदर अच्छा है। रीले बन गई? बन रही है। ये बन रही है, ये लाल वाली बहुत ज्यादा रील बनाने का हुआ है। आ जाओ और यहाँ पे प्रशांत निहारिका को जंगलों में गाड़ी सिखाते हुए। भाई कितने काले लग रहे हैं यार कलवे, ये देखो दो दिन में कैसा हो गया। हम लोग आते ही डिटेलिंग कराने हैं। आज पहली बार हम लोग को हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, साउथ के थे, और हमें अच्छी वाली फीलिंग आई। उनको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई, उनने हम लोग का बहुत वो ग्रुप में थे, हम लोग को पहचान और फोटो खिंचाई। और हम लोग कौन थे पहली बार सब्सक्राइबर मिला, उनकी रिकॉर्डिंग करे कि ना करे वो हम लोग को ध्यान में नहीं रहा, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी आई। अच्छा लगा। तो अब हम लोग आ गए हैं कैंडलम बीच, ये एंट्रेंस है इसका। वेलकम टू कैंडलम, और ये मार्केट है।
और ये देखिए गाड़ी पार्क हो गई है। ये देखिए टोपी भी इनकी, बैग भी इनका, पति भी मेरा, बच्ची मेरी। और ये मार्केट है बेटा, पति नहीं पापा है सुन। बेटा तुम्हारे पापा है, मेरे नहीं है। मेरी पति नहीं पापा, पापा है ना बेटा तुम्हारे पापा। मैं खूब सारे नारे पानी में मिल रहे हैं, फाइनली अब हमें लग रहा है कि हम है। और देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्रूट्स मिलते हैं। वाटरमेलन है, गुआवा है, मैंगो है, और हम आ गए हैं कैंडलम बीच। हम बागा पर रहते हुए बागा नहीं पहुंचे अभी तक दिन में, बाकी हम सारे बीच पर टहल ले रहे हैं। इस पे और साइड इसके ऊपर क्योंकि जब आप साइड पे चलते हो ना तो ताकत नहीं लगती है पैर से, आप चल नहीं सकते हो। जैसे ही आप पत्थर पे आओगे वैसे स्मूथली चलने लगोगे। अगर आप दिन भर साइड में चलोगे शाम को पैर में बहुत दर्द होता है। तो हम लोग आप कैंडोलम बीच पे पहुंच चुके हैं और देखिए पानी की लहर कितनी तेज है। यहाँ फोटो शूट हो रहा है और सिया देखिए मेरा पैर पकड़ रखी है क्योंकि वो डर रही है। सिया डर लगा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो आओ आगे चले। आओ अब सिया कह रही नहीं लग रहा तो सिया को आगे ले चलते हैं। अब सिया को मजा आ रही है, वाओ सिया फिर डर गई। इन सब बीचों पे भीड़ बहुत है, देख रहे हैं आप, टूरिस्ट बहुत है यहाँ पे, इधर भी है उधर भी है। और पानी पे पानी की लहरें बहुत तेज है, हवा भी बहुत तेज है। और सुबह जो ये झंडा है ये लाल खतरे का निशान होता है रात में, क्योंकि इससे आगे फिर किसी को आने नहीं मिलता, क्योंकि रात में लहरें बहुत तेज हो जाती है। और ये पीछे सारे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपको इस पर बैठना तो 200 रुपये पर घंटा। तो अब हम लोग कैंडलम से निकल गए हैं, नेक्स्ट कौन सा बीच पड़ता है देखते हैं। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं। और ये देखिए प्रशांत और निहारिका स्कूटी राइड एंजॉय कर रहे हैं। ट्राई करा, सही है, हाँ बढ़िया बनाया है। एक और ऐसे ही बनाना स्पाइसी और दो थोड़े मीडियम बनाना। कैसा है? बढ़िया, बस बड़ा थोड़ा गर्म होता तो दो मिनट में क्योंकि हर कोई ये मसाला देता नहीं है। मेरे में ना डालना, एक तुम्हारे मीठा ले लेगा ना, एक मिनट लेगा। चाय पड़ी यार, कैसा टेस्ट सिया, कैसा है सिया, कैसा है? बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ चुके हैं कैलगुट बीच और ये यहाँ की मार्केट है। तो अब हम नेक्स्ट बीच पे जाके देखते हैं कि यहाँ का कैसा व्यू है। और यहाँ से हम देखेंगे आज सनसेट, तो देखते हैं कैसा रहता है ये वाला बीच हमारे लिए। तो ये है वेकेशंस पे, इन्होंने आज बाय बोल दिए अपने ब्लॉग से। आज हमने कहा हम छुट्टी पे, आज हम ब्लॉग में आएंगे, ब्लॉग बनाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में दिखते नहीं है, तो आज हम ब्लॉग में दिख रहे हैं। अब हम चल रहे हैं साथ में, इधर पति देव है, इधर देवर है हमारे। और आज ये बीच में है, आज आज के आने वाले ब्लॉग में ये दिखेंगी, बाहर वाला नहीं, नहीं आज के ब्लॉग में ये दिखने वाली है। और चलिए अब हम देखते हैं यहाँ की मार्केट। चप्पल लेनी है, नंगे पैर कैसे जाएगी? ये वहाँ है, ये रही है। नगर ये कौन को कह रही है? बॉस ही रही है, अब भूल जाती है वो। तो हमारे सीए के लिए हम लेने जा रहे हैं स्लीपर, देखते हैं उसको कौन सी पसंद आती है। ये है मार्केट। नहीं सिया को पानी से बहुत डर लग रहा है, सिया कहती रहती है बार बार
मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सियाँ मौज करने लगती हैं। और अभी तक जो बीच का रास्ता है ना, सबसे अच्छे बीच का रास्ता यही है। ये कौन सा बीच है यार? कॉलिंगवुड कॉलिंगवुड कैलनवुड। अच्छा, सबसे अच्छा रास्ता अभी तक इसी का है नीचे उतरने का। तो ये है वो बीच जहाँ मैं बिल्कुल भी मज़ा नहीं आई। क्राउड बहुत ज़्यादा था, सन की रोशनी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से फ़ोटोज़ भी नहीं अच्छी आ रही थी, तो हमने यहाँ फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं कराई। उसके बाद हम लोग ने प्लान किया कि आज हम लोग चलते हैं डिस्क, गोवा में थोड़ा सा डिस्क का मज़ा लेते हैं। तो हम लोग निकले डिस्क के लिए। तो ये है रास्ता, हम लोग ने लौटते समय थोड़ी सी शॉपिंग भी करी थी और फिर रूम पर जाकर डिस्क के लिए तैयार हुए, और तैयार होने के बाद हम निकले डिस्क के लिए। तो चलिए अब हम आपको सीधे मिलते हैं डिस्क में। Oh, my God.